हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, इन फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं बंजारा मार्केट जा रही थी। मैं आज से पहले कभी बंजारा मार्केट नहीं गई, तो मैंने ये व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की हैं, वहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या प्राइस रेंज है, सब कुछ। तो मैं पालम से सेक्टर 56 गुड़गांव तक मेट्रो से गई थी एंड उसके बाद मैं ऑटो से गई थी। तो आई हैव फाइनली रीच्ड बंजारा मार्केट, सो लेट्स स्टार्ट। सो वहाँ पर बहुत सारे क्रॉकरी के आइटम्स थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर डिनर सेट। आप लोग अलग अलग आइटम्स खरीद के बना सकते हो एंड इतने यूनिक यूनिक पीसेस थे। हाँ जी, 100 रुपये लगा। पर पूरा सरोजी नगर वाला सीन है, जितना ये प्राइस बोले आप उसका हाफ ही कोट करना तो ये मतलब मिड में आ जाते हैं प्राइस के एंड अच्छी बार्गेनिंग हो जाती है। फिर यहाँ पर काफ़ी सारी, ये एंटर करते ही फर्स्ट शॉप थी, यहाँ पर ये केजेस थी इतनी क्यूट क्यूट जो दिवाली में डेकोरेशन के लिए काम आएंगी। एंड ये एंग्री बर्ड वाला गुल्लक इतना क्यूट था। फिर यहाँ बहुत सारे कप्स थे। क्या प्राइस है इन कप्स का? 60 रुपये कोई भी इनमें से। एंड इतनी ह्यूज वैरायटी थी कप्स की, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। एंड ये कप मुझे इतना यूनिक एंड इतना ब्यूटीफुल लगा था एंड कलर्स की भी बहुत वैरायटी थी। और ये कटोरियाँ सिरामिक प्लेट्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, डिफरेंट कलर्स, पेस्टल कलर्स, डार्क कलर्स, सब कुछ अवेलेबल था और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इनकी क्वालिटी भी। इनकी प्राइस रेंज थी 140-150, लेकिन 180 में दे देंगे वो। एंड वैरायटी काफ़ी ह्यूज थी, मतलब सब कुछ मिल रहा था ऑलमोस्ट हर कलर। ये पिंक वाली जिसमें सेंटर में कुछ है बोल जैसा छोटा सा, ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी। एंड देन फिर हम इस शॉप से बाहर निकले तो फिर हमने इस शॉप में गए। इस शॉप में काफ़ी सारा दिवाली डेकोर का सामान था, बहुत सारी चीज़ें थी। वाला, ये 600 रुपये का बेटी, ये 300 रुपये का है, ये 400। कप रखने का डिजाइन कितने का आंटी? ये 800 का। ये ट्रॉली का ये 3500। अच्छा, और ये छोटी वाली? ये वाली हाँ, ये 2500। आपको बंजारा में तो मिरर्स की इतनी सारी वैरायटी मिल जाएगी। मैंने ऑलमोस्ट हर मिरर में अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मुझे बहुत प्यारे लगे वहाँ के मिरर्स। फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्रिसमस स्टफ था, ये पम्पकिन था, थोड़ा हैलोवीन सा स्टफ एंड काफ़ी क्यूट चीज़ें थी। सारी ऑलमोस्ट वुडन की चीज़ें थी एंड डेकोर के लिए काफ़ी अच्छी थी। एंड यहाँ पर ये कैंडल होल्डर्स थे, इतने प्यारे प्यारे कैंडल होल्डर्स थे, मतलब देख के ऐसे दिल आ जाते कि बस ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। एंड इनका प्राइस भी ठीक था, 200-150 ही था। एंड ये होम वाला, ये मुझे बहुत सुंदर लगा था। एंड यहाँ ग्लास ट्रीज भी बहुत सारी थी। क्यूट, ये कितने का है भैया? अच्छा, ये वाली मिरर ट्री तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी थी। एंड ये कोस्टर्स भी बहुत क्यूट थे। फिर एक दूसरी शॉप में गए, वहाँ बहुत सारे कुशन्स थे, कुशन कवर्स थे, रग्स थे, मैट्स थे, बहुत ह्यूज 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 वैरायटी थी हर चीज़ की। छोटे मैट्स, बड़े मैट्स, आपके फ्लोर कारपेट्स, ये ब्राउन वाला भी काफ़ी अच्छा था, प्लस इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ना एक्चुअली कच्चा फ्लोर है तो अगर आपको मिट्टी की वजह से ऐसा लगे कि गंदा गंदा है तो आप घर जाके एक वॉश करोगे एंड सब कुछ साफ़ हो जाएगा। ये जूट का टेबल मैट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत फाइन क्वालिटी थी एंड उन्होंने प्राइस सिर्फ 100 कोट किया था, कम वो कर ही रहे थे। ये बास्केट सॉर्ट ऑफ स्टूल मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब ये सामान रखने के लिए इतना क्यूट और इतना यूनिक सा है। आप अपने टेबल पे अगर इसको रखोगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा एंड काफ़ी अच्छा था। इसका प्राइस उन्होंने शायद 600 कोट किया था बट कम करके 300 तक में दे देते तो ये भी काफ़ी अच्छा था। एंड फिर मैं इस शॉप में गई तो यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेम्स एंड ये छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस थे। एंड ये जग मुझे इतना प्यारा लगा, बट ज़्यादा काम की चीज़ नहीं थी तो मैंने नहीं लिया। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मतलब मिरर से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी। फिर यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे एंड ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप अपना घर प्रॉपर डेकोरेट करना चाहते हो तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर डेकोरेशन की इतनी सारी चीज़ें थी, ये बुद्धा वाला स्टैचू मुझे इतना सुंदर लगा था, फाउंटेन वाला था प्रॉपर। एंड यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतनी अच्छी लगेंगी, मतलब ये उसका प्राइस क्या होगा?
इनके प्राइजेस तो थोड़े से हाई थे बट दीज आर वर्थ इट, मतलब अगर आप अच्छा स्पेंड करना चाहते हो तो बहुत प्यारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर ये लाइट वाले फाउंटेन्स भी थे, ये भी काफ़ी क्यूट लग रहे थे देखने में, मतलब देख के तो सब मन करता है ये भी ले लें ये भी ले लें। एंड यहाँ पर शिव जी वाला भी था एंड गणेशा का भी था एंड फिर ये लाइट लैम्प्स भी थे, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे। मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि ये सेट ले लो करवा चौथ के लिए। एंड फिर से मुझे ये ट्रेज दिख गई थी, हर जगह इनका प्राइस वही 400-500 ही बोल रहे थे। फिर एक और शॉप आई थी रग्स मैट्स वाली, काफ़ी अच्छी थी ये भी, यहाँ पे भी बहुत ह्यूज वैरायटी थी। एंड जो कारपेट्स थे उनकी भी बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे एंड क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग थी, कलर वैरायटी भी काफ़ी ह्यूज थी, तो आप अपने रूम के अकॉर्डिंग कलर्स ले सकते हो यहाँ से। कुशन कवर्स भी थे काफ़ी अमेजिंग, मतलब इनके पास काफ़ी साइजेस अवेलेबल थे कुशन कवर्स में भी, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे क्वालिटी वाइज एंड प्राइस भी सही था। फिर वो दीदी हमें ये सेट दिखा रही थी जिसमें बहुत सारे कवर्स थे, तो इनका प्राइस आई गेस 300 उन्होंने बोला था एक कुशन कवर का, बट वो शायद 300 के दोनों लगा देते। ये इसका क्या प्राइस होगा आंटी, ये बड़े वाले का? ये तीन का सेट है बेटी। हाँ, इसे 1500 रुपए का तीन का सेट। 1500 का, और ये बड़ा वाला लांटी? ये वाला 1200 रुपए का। अच्छा, और ये? ये लैंप है, ये अच्छा ठीक। फिर मैं एक इस शॉप में गई थी, यहाँ पर ह्यूज 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 वैरायटी ऑफ कैंडल्स थी, मतलब यू नेम द कैंडल एंड यू विल फाइंड इट हियर, इतनी सारी वैरायटी कैंडल्स की, प्राइसी थी थोड़ी सी बट बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी प्लस क्वालिटी एंड बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स थी यहाँ पर। मतलब मैंने ऐसी ऐसी कैंडल्स देखी थी जो मैंने शायद कभी नहीं देखी होंगी, शेप में इनके कैंडल होल्डर्स बहुत प्रिटी थे, सबके प्राइजेस डिफरेंट थे क्योंकि कुछ छोटी थी कुछ काफ़ी बड़े थे, तो प्राइस स्टार्टिंग 250 बोला था उन्होंने बट कम करके वो दे ही देते। यहाँ पे ये स्कल वाली कैंडल भी थी जो काफ़ी यूनिक थी बट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। फिर हम एक और शॉप में गए, यहाँ सब कुछ ब्रास एंड मेटल वाला था। क्या नाम है, क्या नाम है? यहाँ पर काफ़ी सारी क्रिसमस रिलेटेड डेकोरेशन की चीज़ें थी, स्टार्स थे, रेंडियर्स थे एंड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, और यहाँ ये बच्चे ऐसे काम कर रहे थे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम एक और शॉप में गए, ये प्रॉपर पूरी शॉप सिर्फ फ्लावर्स के लिए डेडिकेटेड थी, हर टाइप का फ्लावर आपको यहाँ मिल जाएगा, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, एंड प्राइस भी ठीक था, बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, जितना आपको नॉर्मल मार्केट में मिल रहा है उससे थोड़ा कम ही था। एंड ये व्हील्स भी थी काफ़ी अच्छी थी ये भी। फिर यहाँ पर भी हमने ये प्लेट्स देखी, देखो कौन सी वो वाइट वाली, ये क्या प्राइस है? 120। इसी फ्लावर वाली शॉप में बोल्स भी थे, वासेस भी थे एंड लॉन्ग ट्रेज भी थी, छोटे छोटे बोल्स भी थे। एक ये शॉप देखी, यहाँ प्रॉपर पिंटरेस्टी चीज़ें थी, मतलब ये क्लाउड टाइप वाला कप एंड बोल, फिर ये वाला बोल इतना क्यूट था, मतलब बहुत सुंदर था, एंड ये वाले तो प्रॉपर पिंटरेस्ट वाइब्स दे रहे थे। ये उन्होंने 250 बोली थी स्टार्टिंग बट कम कर लेते, एंड पीछे वो रोज़ वाला भी काफ़ी सुंदर था। एंड बंजारा में आप ना डिफरेंट डिफरेंट शॉप से अलग अलग चीज़ें लेके प्रॉपर एक अपना सेट बना सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ये प्लेट्स इतनी डिफरेंट एंड इतनी क्यूट सी थी, मतलब देख के से मन कर रहा था ये भी ले लें। फिर ये स्टैंडिंग लैम्प्स थे काफ़ी अच्छे थे, मतलब आप भी कंटेंट क्रिएटर तो आप अपने बैकग्राउंड के लिए ले सकते हो। एंड वो छोटे वाले स्टूल्स भी काफ़ी अच्छे थे, ये 1500 का पेयर था। एंड देन हम आए लॉन्ग मिरर्स की शॉप पे, मतलब मुझे मिरर चाहिए था तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी वहाँ पर, ये पिंक वाला मिरर इतना क्यूट था, यहाँ ऑलमोस्ट हर कलर के ब्राउन भी थे वाइट भी थे, प्लस आप मिरर्स को पेंट भी करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर उन्हीं मिरर्स की शॉप्स में ये छोटी मोटी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो काफ़ी कई बार अच्छी लग जाती हैं, तो ये 250 की ट्रे थी वुडन की, ये भी सही लग रही थी मुझे बट मैंने नहीं ली। एंड ये वाला मिरर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था क्वालिटी वाइज, ये वाइट वाला मिरर भी काफ़ी पिंटरेस्टी सा था, काफ़ी क्यूट था, अगर आपको एस्थेटिक सी चीज़ें पसंद है अपने रूम में, प्लस ये ना सारे हैंडमेड थे। फिर उसके बाद हम उस शॉप से बाहर निकले एंड देन अगेन वही सिरामिक चीज़ें, एंड यहाँ पर एक शॉप थी जिसमें सब कुछ वुडन का मिल रहा था, यहाँ पर मिरर्स भी थे एंड काफ़ी अच्छे मिरर्स थे, मतलब जूट वाले मिरर्स थे एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, छोटे बड़े ऑलमोस्ट सारे साइजेस अवेलेबल थे। यहाँ से मैंने लिया एक मिरर, वो आपको मेरे नेक्स्ट हॉल में दिख जाएगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, प्लस ये अंकल भी बहुत अच्छे थे, इनकी प्रॉपर शॉप नंबर 1 थी, सिर्फ इन्होंने ही शॉप नंबर बताई वहाँ पर। एंड यहाँ पर ये छोटी मोटी वुडन की चीज़ें भी अवेलेबल थी,
यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी वैसे तो वुडन में, मतलब पैंस थे एंड जो प्रॉपर आप कैफ़ेज़ में देखते हो, ये प्रॉपर एड्रेस है आप लोगों के लिए बंजारा का। फिर उसी शॉप के बाहर यहाँ पर कुशन्स वगैरह भी थे एंड देन अगेन सिरामिक्स की तो इतनी चीज़ें हैं वहाँ पर, सिरामिक प्लेट्स, बोल्स, छोटी कढ़ाइयाँ। फिर ये छतरी वाली चीज़ मुझे इतनी क्यूट लगी, मेरी मम्मा को बहुत प्यारी लग रही थी। फिर इस शॉप में हम गए, यहाँ पर वासेस थे, ये थम वाला वास कितना क्यूट है, और ये आदमी वाला ये 450। अच्छा, इनका क्या प्राइस है? 500 का सेट है, 500 का दो सेट है, नहीं नहीं इसका सेट ही है, नहीं ये भी सेट है, हाँ सब सेट है, ये इसका ये कितने का है? 500। ये तीन चीजों का सेट था, सोप डिस्पेंसर, सोप होल्डर एंड ब्रश होल्डर, तो सुंदर है। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई थी एंड हमें कैब से वापस जाना पड़ा एंड दी स्ट्रगल इज़ रियल। ये ऊपर मेरा मिरर रखा हुआ है एंड हमें कैसे एडजस्ट करके आए कार में हमें ही पता है। दैट वॉज इट फॉर दी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैंने क्या क्या बंजारा मार्केट से लिया उसका हॉल मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू ऑन संडे, बाई।